भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी मैदान में उतारा है, उनके जो दावेदार हैं उनको कहीं ना कहीं अवसर मिला है, तो स्वाभाविक करके मेरा दावा कितना होता है। प्रबल दावेदार था, मेरा नाम भी उस समय स्क्रीन कमेटी में आ चुका था, पर पार्टी ने जिससे भी टिकट बनाया उसके लिए हमने पूरी निष्ठा के साथ काम किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के मामले में अभी तक अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं। इसके पहले ही कांग्रेस में टिकट को लेकर कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई ने खुद को कांग्रेस का प्रबल दावेदार बताकर कांग्रेस में गर्मी बढ़ा दी है। पोटाई ने प्रेस वार्ता कर इस बार कांग्रेस से युवा प्रत्याशी को ही दावेदार बनाए जाने की मांग करते हुए खुद को कांकेर विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार बता दिया। ये पहला मौका है जब किसी दावेदार ने प्रेस वार्ता कर टिकट के लिए अपनी खूबियां गिनाई हैं, और बीजेपी का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कांग्रेस को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कहा, पहले उनका ये बयान सुनिए। हम संका फुसंका किंतु परंतु क्यों जाएं? भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी मैदान में उतारा है। मैं युवा हूँ, 20 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, 140 पोलिंग बूथों में मेरा सीधा प्रभाव है, के जो दावेदार हैं उनको कहीं ना कहीं अवसर मिला है, तो स्वाभाविक तौर पे मेरा दावा कितना होता है। और मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी जो है इस बार मुझे टिकट देगी। एक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो एक और जो है एक परिवार के व्यक्ति को 4 से 5 बार अवसर मिल रहा है, एक परिवार के व्यक्ति को 2 से 3 बार अवसर मिल रहा है। वहीं और लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, जब अवसर की बात आती है तो 20-25 साल मेहनत करने के बाद भी अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान में, देश की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही थी, तो हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलने का अधिकार है, राजनीतिक न्याय मिलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अवसर की समानता भी मिलनी चाहिए। काम हम भी कर रहे हैं, काम वो भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने इन पिछले 20-25 सालों में इस कांकेर विधानसभा को देखा है, समझा है, महसूस किया है, लोगों ने यहाँ की भावनाओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने अभी तक किसी भी अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं होने की बात कही और नितिन पोटाई के बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के जिला महामंत्री सुनील गोस्वामी का क्या कहना है, ये भी सुनिए। अब मुझे इस बात की तो आपके माध्यम से जानकारी हो रही है कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ हैं नितिन पोटाई जी, उनका भी आया था नाम, उनका भी आवेदन आया था, हमने सभी दावेदारों की सूची भेज दी है, लेकिन उनका कहना है कि मुझे मिलेगा तो पार्टी अभी किसी भी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, कब से मांग रहे हैं सभी, लंबे समय से मांग रहे हैं, जिसको मिलता है हम कांग्रेस उसके पक्ष में हैं, कांग्रेस के निर्णय का सभी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, हमको भी इंतजार है, हम भी चाह रहे हैं कि जिसका भी नाम जल्दी घोषित हो। बीजेपी ने पूरे मामले में कांग्रेस में अंतःकलह और गुटबाजी चरम पर होने की बात कही है। साथ ही नितिन पोटाई को टिकट का असली हकदार बताते हुए टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी में शामिल होने की सलाह तक दे डाली। चारों तरफ से गुड़बाजी है और आशा नितिन पोटाई बहुत पहले से मांग रहे हैं उनको टिकट मिलना भी चाहिए, पुराने कार्यकर्ता है और ऐसे उनका हक भी बनता है, और कांग्रेस में आपसी गुटबाजी में उलझ चुकी, इसी कारण कांग्रेस अभी तक टिकट जारी भी नहीं कर सकी है। कांग्रेस इस बार सत्ता से बाहर है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है। कांग्रेस के माइनस कांग्रेस बना उनकी आपसी गुटबाजी है, आपसी कला है कांग्रेस में, गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी है, एक जगह नहीं सभी जगह आप देखेंगे, और भविष्य में नितिन पोटाई जी का हम स्वागत करते हैं आए भारतीय जनता पार्टी। अब देखने वाली बात ये होगी कि लिस्ट जारी होने से पहले ही पार्टी में उपजे इस कलह से कांग्रेस कैसे डील करती है। कांकेर से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।